मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले का घेराव किया। कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में सरकार के कहने पर उचित मूल्य की दुकान विक्रेताओं ने खाद्यान्न वितरण किया था, लेकिन सरकार ने आदेश जारी नहीं किए थे, जिसके कारण अब दुकानदारों पर FIR दर्ज हो रही है। वहीं कर्मचारियों ने मांग की है कि गलत तरीके से जो FIR दर्ज की गई है उसे हटाया जाए। कोरोना काल के समय ऑफलाइन से खाद्यान्न वितरण किया गया था और हम कई बार मांग कर चुके हैं कि इसको कम किया जाए, लेकिन आज दिनांक तक वो कम नहीं हुआ। हमारे कर्मचारियों पे और उस खाद्यान्न को लेकर FIR हो रही है, कुछ जगह रिकवरी भी निकाली गई है। जब शासन के आदेशों से वो ऑफलाइन वितरण किया गया है तो उसको कम किया जाए और जो FIR हुई उसको वापस किया जाए। हमारे कर्मचारियों ने उचित मूल्य की दुकानें, स्वायत्त समूह, भंडार, वन उपजी, इन लोगों ने जो खाद्यान्न वितरण किया वो आज तक मशीनों में है, इसको तुरंत कम किया जाए। अगर ये कम नहीं किया जाता है तो आज तो माननीय खाद्य मंत्री जी के बंगले का घेराव किया गया है, आगे वाले समय में हम CM हाउस का भी घेराव करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।